दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हमारा टारगेट डे 2, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 45 डेज का ये आरआरबी एएलपी का क्रैश कोर्स चल रहा है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने टारगेट डे 1 को बहुत बेहतरीन तरीके से अचीव किया होगा। और मैं उम्मीद ही क्या कर रहा हूं, मैंने तो सच में आप लोगों के टेलीग्राम ग्रुप में जब देखा कि रात के 3-3, 4-4 बजे तक स्टूडेंट्स जाग रहे थे अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए, तो सच में एक बहुत ही ज्यादा अच्छी एनर्जी मेरे को भी मिली कि आप लोग इतने जुनून के साथ पढ़ाई कर रहे हैं और सच में आप लोगों को उस चीज के रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। और दूसरी ओर ऐसे भी लड़के होंगे जिन लोगों ने अपना टाइम मैच देखने में या बाकी सब चीजों में वेस्ट किया होगा, इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल करने में, फेसबुक की रील्स देखने में, इन सब चीजों में अपना टाइम वेस्ट किया होगा। तो ये तो आप लोगों को पता है, आपकी लाइफ है, आपको डिसीजन लेने हैं। लाइफ तो एक यात्रा की तरह है, ऐसा नहीं है कि आप एएलपी नहीं बनेंगे तो लाइफ नहीं चलेगी या एएलपी बन जाएंगे तो लाइफ नहीं चलेगी। लाइफ तो निरंतर चलती रहनी है, आप लोगों को डिसीजन लेने हैं टाइम टू टाइम, और वो डिसाइड करेंगे कि आपका फ्यूचर क्या होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भैया आप एएलपी नहीं बने तो आपकी लाइफ खराब हो जाएगी या बिल्कुल चल ही नहीं पाएगी। सब चीज़ें होंगी, लेकिन हो सकता है कि उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, हो सकता है कि वो किसी और डायरेक्शन में चली जाए। ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत बड़े इंसान बन जाएं, और ऐसा भी हो सकता है कि आप ईंट पत्थर ढोने लग जाएं इतना पढ़ लिखने के बाद भी। किसी भी सिचुएशन में आप लोगों के सामने एक सिचुएशन क्रिएट होती है, लाइफ आपके सामने एक सिचुएशन क्रिएट करती है, और वो भी हर पल आप लोगों को बस डिसीजन लेना होता है। हर समय आप लोगों को डिसीजन लेना होता है कि मैच देखना है कि पढ़ाई करनी है, इन 45 दिन को बर्बाद करना है या यूटिलाइज करना है, शादी करनी है या नहीं करनी है, जॉब से पहले करनी है या नहीं करनी है। इस तरह के बहुत सारे डिसीजंस आपको लाइफ के हर फेज में लेने पड़ते हैं, जो कभी कभी बहुत अच्छे साबित होते हैं और कभी कभी बुरे भी साबित होते हैं। तो आपको अपने अच्छे और बुरे निर्णयों के लिए अपने आप को ही जिम्मेदार ठहराना है, अपने निर्णयों का मालिक खुद बनना है। जो आप डिसीजन ले रहे हो उसके मालिक आप बनिए, और अपने आप सोचिए कि मैं क्या कर रहा हूं सही और क्या कर रहा हूं गलत। अगर आपका दिल कहता है कि हां भाई आप सही कर रहे हो तो करिए जो आपको अच्छा लगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी भी गलत काम के लिए आपका दिल यह कहता होगा कि भाई तू मैच देख ले, इधर तेरा पेपर आ रहा है, तू खूब मैच देख, तूने पढ़ाई भी नहीं की है और तू अब खूब मैच देख, तू खूब इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल कर। कभी तुम्हारा मन तो नहीं कहेगा, आप स्क्रॉल करते रहिए, लेकिन आपको पता चलेगा बाद में जब ये टाइम निकल जाएगा। टाइम कभी लौट के वापस नहीं आता है, एक एक दिन जाता जा रहा है, आप देखते रहिए किस तरीके से टाइम बीत जाएगा। और आप लास्ट टाइम पे भी यही कह रहे होंगे, मैं कह रहा हूं कि अगर पेपर अगस्त में नहीं भी हुआ, पेपर एक महीना और बढ़ गया, 2 महीना और बढ़ गया, तब भी लास्ट टाइम तक आप यही कह रहे होंगे कि और थोड़ा सा टाइम मिल जाता तो मैं पढ़ लेता, जो कभी मिलेगा नहीं। ऐसा नहीं होता है, आप लोगों को अभी से स्टार्टिंग करनी होगी, तभी कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों को पता है इस बैच के अंदर भी, जो इस समय भी लास्ट डे बच्चे ज्वाइन हुए हैं, उन लोगों को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि भैया हम पिछला टारगेट कब कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग अगर ज्यादा डिले कर गए तो आप समझिए कि किस तरीके से चीजें कंप्लीट करेंगे। मैं आप लोगों को सच में बताऊं तो जो बड़े बड़े टीचर्स के कोर्सेज परचेज करने के बाद भी बच्चे यहां पे पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन कोर्सेज के अंदर इतना ज्यादा कंटेंट दिया गया है, एक एक चैप्टर के 40-40, 50-50 लेक्चर्स दे दिए गए हैं। अब मैथ्स के टीचर अपने अपने लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहे हैं कि ये लीजिए नंबर सिस्टम के 40 लेक्चर लीजिए, ये लीजिए एचसीएफ एलसीएम के 20 लेक्चर लीजिए, ये लीजिए ज्योमेट्री के 50 लेक्चर लीजिए। इसी तरीके से रीजनिंग के टीचर आ रहे हैं, वो भी अपने लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, साइंस के भी करा रहे हैं। अरे आपने अपना बेस्ट करा दिया, टीचर ने अपना बेस्ट दे दिया, ये बच्चा किस किस से बेस्ट ले? इसको तो सिर्फ वो चाहिए था जो इसके लिए बेस्ट हो, आपने अपना बेस्ट दिया है। इसको टाइम के हिसाब से चीजें चाहिए थी तो वो कहां से मिलेंगी? इसे इस समय पे चाहिए कि 4-5 घंटे के अंदर इसका चैप्टर कंप्लीट हो जाए, बड़ी आसानी से 2 घंटे के अंदर एनसीईआरटी के चैप्टर को कंप्लीट कर ले। आप लोग 10-10 चैप्टर्स 10-10 घंटे 20-20 घंटे इनको पढ़ा रहे हैं तो बताइए इसका कहां से कंप्लीट होगा कुछ? तो फिर बच्चा डिमोटिवेट होकर तैयारी को छोड़ देता है या उसको लगता है कि तैयारी बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए एक प्रॉपर गाइडर की जरूरत पड़ती है, आपके चाचा मामा बड़े भैया जो भी हों, अगर वो आपको गाइड करते हैं तो निश्चित तौर से आप कमजोर होने के बावजूद भी सफलता प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि वो आपको बताएंगे कि इतना टेंशन फ्री, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है जितना तू सोच रहा है, ये चीजों करो, यहां पे जो इतनी सारी चीजें दी गई हैं इसमें से ये करो। तभी आपने देखा होगा कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर, आईएएस के बच्चे आईएएस क्यों बनते हैं? क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर गाइडेंस भी होती है, वो गाइडेंस देते हैं
कि एक बहन लगी, टीना डाबी लगी, उनकी बहन भी लग गई, क्या उन्हीं के परिवार में सब तेज हो रहे हैं? एक गाइडेंस भी बहुत बड़ी वैल्यू रखती है। इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। बाकी आपका मन है, जैसा आपका मन करे वैसे करिए। फिलहाल यह है हमारा आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 का टारगेट डेट 2, और हम लोग चलते हैं बिना किसी देरी किए आप लोगों के टारगेट पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम मेनली फोकस्ड हैं इधर वाले पोर्शन पे। फिर से बता रहा हूं कि ये वाले जो मैथ्स, रीजनिंग और साइंस के मार्क्स हैं, ये टोटली यहां पे आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा करने वाले हैं। इसलिए आप इस समय इन तीन सब्जेक्ट पे ज्यादा से ज्यादा फोकस्ड रहिए, क्योंकि यही तीन सब्जेक्ट हैं जो आपको पार्ट ए में क्वालिफाई भी करवाएंगे और मार्क्स भी दिलवाएंगे। फिर आपके पास सिर्फ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्रॉइंग में ईडी वाला पार्ट पढ़ने को रह जाएगा, सिंपल मशीन थोड़ी सी और लीवर्स और हीट एंड टेम्परेचर, बस यही चैप्टर्स आपको पढ़ने रहेंगे। बाकी सारे चैप्टर्स, चाहे वो स्पीड एंड वेलोसिटी हो, चाहे वो वर्क एंड एनर्जी हो, चाहे वो यूनिट्स हो, वो सारी की सारी चीजें तो आप यहीं पे कवर करके चले जाएंगे। इसलिए इन तीनों सब्जेक्ट को जितना बेहतर कर सकते हो उतना बेहतर कर लो, क्योंकि आपके यहां पे भी मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन बेहतर के चक्कर में ऐसा भी मत करो कि एक चैप्टर के 30-30 लेक्चर्स, 50-50 लेक्चर्स आप लोग देख रहे हो, क्या होगा? अरे आपको कोई टीचर बनना है, आपको कोई पीएचडी करनी है, क्या बनना है आपको? गणितज्ञ बनना है क्या? गणितज्ञ बनने नहीं आए हम लोग यहां, हमें सिर्फ सिलेक्शन लेना है, और सिलेक्शन के लिए हमें फालतू चीजें नहीं पढ़नी होती हैं। बिल्कुल डिट्टो वो चीज पढ़नी है जो मेरे एग्जाम में आने वाली है, और मैं वही सब चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं। तो यहां पर चलते हैं। ये आप लोगों का क्रैश कोर्स है जिसके बारे में आप लोग देख सकते हैं इन डिटेल। इतनी सारी टेस्ट सीरीज आप लोगों को मिलेंगे, एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज भी टेस्ट बने हुए हैं, वो भी तीन तीन, इजी लेवल, मीडियम लेवल, डिफिकल्ट लेवल। सीबीटी 1 के प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस हैं, लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चंस हैं, टारगेट डेज हैं, सारी चीजें हैं, ये देख सकते हैं आप। और इसके अंदर आप लोगों को स्ट्रेटेजी, गाइडेंस, डेप्थ, सिलेबस, सारी चीजें देखने को मिलेंगी। कुल 299 रुपए का ये आप लोगों का कोर्स है। टाइम वेस्ट करने से बच जाओगे। इस समय टाइम को बचाना बहुत बड़ी चीज है। इस अब आप समझिए ना यार, टीचर से आपने कोर्स ले लिया, उन टीचर्स ने इतनी इतनी सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा दी, आप कर लोगे उन चीजों को? ये बता दो बस मुझे। मैं कह रहा हूं किसी का 500 रुपए का कोर्स है, चाहे 5,000 का कोर्स है, जब आप उन चीजों को कवर ही नहीं कर पा रहे तो क्या मतलब है उस कोर्स का? कम से कम उतनी चीजें हों जो आप कवर कर पाए, क्योंकि लास्ट टाइम है। तो आप लोग अभी इस चीज को समझेंगे नहीं, बाद में समझ आएगा, और कंफ्यूजन से बचे रहोगे, एक ही गाइडेंस में रहोगे, टारगेट्स के बहाने आपकी कंटिन्यूटी में फ्लो, कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ये है आप लोगों का टारगेट डेज जो 299 का है, जिसका आप प्राइस देख सकते हैं 299 रुपए का आप लोगों का ये बैच है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास एक बहुत ही ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी है। कुल 299 रुपए में आप एएलपी क्लियर कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। मैं अपने बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कमेंट करें नीचे कि उन लोगों के टारगेट्स अच्छे हैं या नहीं है, उनको पसंद आ रहे हैं टारगेट या नहीं आ रहे हैं, और उनको टारगेट अचीव करके कैसा फील हो रहा है। ये सारी की सारी चीजें हैं, चलिए यहां पे। और मैं सबसे रिक्वेस्ट ये भी करूंगा कि अगर टारगेट ज्वाइन करो तो उसके अंदर जो टेलीग्राम ग्रुप है, उस टेलीग्राम ग्रुप को जहां पे सरस्वती माता जी की पिक है, उसके नीचे की सारी चीजें आप लोगों को देखनी है, चाहे वो मैसेजेस हो, चाहे वो ऑडियो नोट्स हो, चाहे वो वीडियोस हो, वो सारी की सारी चीजें सुनते हुए आपको आना है। ऐसे नहीं आना है कि ज्वाइन हो गए आप भटकते फिर रहे इधर उधर। सबसे पहले आप लोगों को वही काम करना है। चलिए अभी आइए, ये है आरआरबी एएलपी का सीबीटी 1, हमारा है टारगेट डेट 2। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि आपका टारगेट क्या है। ये है आप लोगों का टारगेट, टारगेट डे 02। इसके अंदर हम लोग कवर करेंगे आप लोगों का, ये है मार्च एंड अप्रैल की इंपॉर्टेंट डेट्स। अब आप कहेंगे कि भैया फरवरी और जनवरी की कब, तो वो हम पहले ही करवा चुके हैं, तो इसलिए न्यू बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है, आप पुराना वाला टारगेट देखिए। और अच्छा, ये सारा कंटेंट कहाँ मिलेगा? तो ये सारा का सारा कंटेंट एप्लीकेशन पे भी है, और एप्लीकेशन के अंदर एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसके अंदर सारा का सारा कंटेंट, इनके वीडियो लेक्चर्स भी और इनके पीडीएफ भी, नोट्स भी, सब कुछ आप लोगों को एक ही जगह पे मिल जाएगा। बस आप अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। मार्च एंड अप्रैल की इंपॉर्टेंट डेट्स कवर करनी है। अब कुछ टीचर्स को देखा होगा आपने, वो एक साथ डेट्स करा देते हैं, बताइए आप कैसे याद करेंगे एक साथ? एक क्रम होता है हर चीज को करने का, तभी तो आप कर पाएंगे। आप दुनिया भर की चीजें पढ़ते हैं, जिस चीज को पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी को उनको आप पढ़ते नहीं, तो बताओ, गलती तो हम खुद करते हैं ना। फिर हमारे सिलेक्शंस नहीं होते तो हम दोष देते हैं कि भैया इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे तूने गलत निर्णय लिए थे, तुम्हारे डिसीजन थे वो गलत, इसलिए आप लोगों के सिलेक्शंस नहीं हुए।
चलिए तो मार्च एंड अप्रैल की इंपॉर्टेंट डेट्स हम लोगों को कवर करनी है, इसके बाद भारत सरकार के आगामी लक्ष्य। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस तरह के क्वेश्चन हमारे यहाँ आते हैं रेलवे के अंदर कि आप ये बताइए कि कार्बन उत्सर्जन में या कार्बन उत्सर्जन को जीरो करने का लक्ष्य हमने कब तक रखा है, 2047 तक, 2030 तक, इस तरीके के। टीबी मुक्त भारत सन कितने में हो जाएगा, हेपेटाइटिस मुक्त, इस तरीके के बहुत सारे हमारे लक्ष्य हैं। गवर्नमेंट एक लक्ष्य डिसाइड करती है कि हम 2047 तक ये कर देंगे, हम 2030 तक ये कर देंगे, हो भले ही ना, लेकिन वो एक एम लेके चलते हैं। तो वो एम आपसे पूछे जाते हैं कि भारत सरकार के आगामी लक्ष्य, इनके जो लेक्चर्स हैं या इनकी जो नोट्स हैं वो मैं प्रोवाइड कराऊंगा, इसलिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, बार बार कह रहा हूं मैं। अच्छा, भारतीय संविधान का बेसिक्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग कहेंगे कि भैया ये क्यों शुरू कर रहे हो, एक्चुअल में क्या था कि ग्रुप डी में संविधान से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, एकमात्र सब्जेक्ट था जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे करंट के अलावा, तो वो यही था। इसलिए, और वैसे भी ग्रुप डी में मैंने पहले ही ये करवा दिया था, मुझे पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि इलेक्शंस चलते रहते हैं इंडिया में हमेशा, और इलेक्शन की वजह से सारी चीजें चर्चा में रहती हैं, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, तो इनके बारे में तो हमें नॉलेज होनी ही चाहिए। तो यही नॉलेज आप लोगों को चाहिए। अभी जैसे इलेक्शन हुआ है तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी बनकर उभरी है, बीजेपी को कितनी सीट्स प्राप्त हुई हैं, उत्तर प्रदेश में टोटल विधानसभा की सीटें कितनी हैं, और उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद की सीट कितनी है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि और जगह भी। चिराग पासवान जी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, उनके पास कौन सा मंत्रालय है, चिराग पासवान जी की पार्टी का क्या नाम है, इस तरीके के जो नए नए चेहरे उभरे हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आप देख लेना। कंगना रनौत हाल ही में सांसद चुनी गई, वह कहां से सांसद चुनी गई हैं, किस पार्टी से बिलोंग करती हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप देखना। पिछली बार ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए, आलिया भट्ट पर कहां की सिटीजनशिप है, बच्चे सोच रहे इंडिया की ही होगी, समझ रहे हो आप, इस तरीके के क्वेश्चंस, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और अक्षय कुमार की सिटीजनशिप पे भी क्वेश्चंस पूछे गए। नेक्स्ट है लेटेस्ट एब्रीविएशंस, ये जो है नवीनतम शब्द संक्षेप। एक क्वेश्चन आपने देखा होगा, रेलवे इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है कि आप ये बताइए कि बीवीपैट की फुल फॉर्म क्या है, या पूछेगा एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, इंडिया की फुल फॉर्म बताओ, जो इन्होंने संगठन बनाया है आप लोगों को पता ही होगा, जो विपक्षी पार्टियां हैं सब मिलके, यूपीए, यूपीआई, इस तरीके के जो नए चर्चा वाले वर्ड हैं वो आपसे पूछे जाते हैं और इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती हैं। तो जो भी इस समय चर्चा में वर्ड हैं वो हम प्रोवाइड करवाएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उसमें भी आपको बताएंगे कौन सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आने वाली हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एक ये आप लोगों के सिलेबस में है। नेक्स्ट है मिलिट्री एक्सरसाइजेस, संयुक्त सैन्य अभ्यास 2023 और 24, 23-24 में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुए, पता है ना संयुक्त सैन्य अभ्यास क्या होते हैं, जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं, तो वो आपसे पूछी जाती हैं, कौन सी पूछी जाती हैं, जिसमें इंडिया ने भाग लिया हो वो ज्यादा पूछी जाती हैं, समझ आ रही है। जैसे जाइमेक्स एक्सरसाइज कहां किस किस के बीच होती है आपसे पूछ लेगा, स्लाइमेक्स किस किस के बीच होती है, गरुण किस किस के बीच होती है, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इनको याद करने के लिए मैंने अपनी खुद की वीडियो भी दी है, और वो ऐसी वीडियो है कि अगर आपने एक बार याद कर लिया तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपको वो चीजें याद हो जाएंगी। अभी आप बताइए, मैं अपने पुराने बच्चों से बताऊंगा जो जिन्होंने टारगेट वन कंप्लीट किया, सच बताइए क्या आपको इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स याद करने की जरूरत पड़ी, विश्वास करके आप लोग जरूर से जरूर मुझे ये बात बताइएगा, नीचे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने टारगेट डे वन फॉलो किया, आपको कैसा लगा टारगेट डे वन फॉलो करके, जरूर से जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट नीचे साइंस में, तो ये हम लोगों का टारगेट है स्टैटिक जीके का। वैसे तो देखो जीके को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी नहीं चाहिए, लेकिन इसलिए भी देनी जरूरी है क्योंकि एक ही एग्जाम नहीं है, आगे जेई भी है, ग्रुप डी भी है, टेक्नीशियन भी है,
तो आप लोगों को पूरी तरीके से तैयार भी रखना है। हमारे यहाँ तो 10 ही नंबर का वेटेज है, सीबीटी 2 में है भी नहीं। तो वैसे तो मैं कहूंगा कि आप इस अगर बिल्कुल कमजोर बच्चे हो तो ज्यादा इधर ध्यान ना देके बाकी के 3 सब्जेक्ट पे और ज्यादा फोकस्ड रहो, इधर कम दो। अगर आपसे कोई चीज कवर नहीं हो रही है तो छोड़ दो। लेकिन अगर आपको ग्रुप डी भी देना है तो आपको उस लायक बनना पड़ेगा, और ये चीजें बार बार बदलती नहीं है। इन चीजों को एक बार याद रखना है। जाइमैक्स अगर एक्सरसाइज होती है तो वो उन दोनों के बीच ही होती है। गरुड़ किस किस के बीच होती है तो होती है, ठीक है। इन चीजों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है साइंस में। साइंस का काफी अच्छा खासा वेटेज हमारे यहाँ पेपर में भी है, और हम लोग भी बहुत अच्छे से इस चीज को कर रहे हैं। जैसा कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग बताएं, जो मैंने आप लोगों को लेक्चर्स सजेस्ट किए थे या लेक्चर्स दिए थे, उन लेक्चर्स से आप लोगों को पढ़ के कैसा लगा? क्या किसी टीचर ने इतना बेहतरीन तरीके से आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ाई है जितनी बेहतरीन तरीके से आपको एनसीईआरटी हमारे यहाँ कवर करवाई गई? चाहे मैंने अपने खुद के लेक्चर से कराई या कहीं से भी कराई, लेकिन इतने बेस्ट तरीके से आप लोगों ने क्या पहले कवर की थी? आप लोगों से बस मैं इतना चाहता हूं कि अगर आप चीजें कवर कर रहे हैं तो जरूर से जरूर यह बताया करिए कि वो कैसा लग रहा है। जब आपकी तरफ से रिस्पॉन्स आएगा तब मेरे को और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा करने का। वैसे मैं अपनी तरफ से 100% बेस्ट देता हूं, और आप लोगों के पास जो गया होगा वो एकदम बेस्ट है। तो यहां देखिए, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन बेसिक्स ओनली थ्योरी पार्ट क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 प्लस चैप्टर नंबर 8 मोशन एग्जाम्पलर एंड PYQ। देखिए पूरे क्रम में चलती हैं सारी चीजें। पहले हमने मोशन चैप्टर कंप्लीट किया है, इस बार हम उसके एग्जाम्पलर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। घबराना नहीं है, इस बार हम उसके एग्जाम्पलर और PYQ करेंगे, और इसका हम बेसिक्स करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का। तो आप लोगों को टाइम मिल गया काफी सारा इसके लिए, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो मैं बेस्ट करवाता ही हूं। अगर आपके पास कम टाइम भी है तो मेरा खुद का लेक्चर है जिसे आप 49 मिनट्स के अंदर इस चैप्टर के विद न्यूमेरिकल कवर कर सकते हो। ऐसे ही मैंने आपको मोशन दिया, 35 मिनट्स के अंदर आपका पूरा का पूरा न्यूमेरिकल क्लियर और साथ में कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर। तो इस तरीके के लेक्चर्स की लास्ट टाइम पे बच्चों को जरूरत होती है कि क्रिस्प कंटेंट दो जिसमें जान हो, और यही चीजें आपको एग्जाम में मिलेंगी। अब आप पढ़ रहे हो 20-20 लेक्चर्स, तो जो बच्चा 4 चीजें पढ़ के गया एकदम से वही चीज एग्जाम वाली, तो उसके एग्जाम में फंसेंगी। आप पढ़ रहे हो इतना सारा, उतना भी आएगा तब भी नहीं काम होगा आपसे, क्योंकि आपने इतना ज्यादा पढ़ लिया आपके दिमाग को पता ही नहीं है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो क्या करोगे आप लोग? ये हो गया एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 मोशन एग्जाम्पलर करने हैं। एग्जाम्पलर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट है हमारा पाचन तंत्र, इसको भी हम कंप्लीट करेंगे पाचन तंत्र को। क्लास 9th की एनसीईआरटी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है जीवन की मौलिक इकाई द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल बायोलॉजी के नाम से एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा, कि आपने इससे रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वही, कि सुसाइडल बैग आत्मघाती की थैली किसको कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है, इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे कहां से आते हैं? वो यहीं से तो आते हैं, क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। हम बिल्कुल उस सिलेबस को कवर करते हैं जो रेलवे ने दिया है, उसके अलावा हम इधर उधर डिगते भी नहीं हैं। तो रेलवे की चीजों को हम फॉलो कर रहे हैं बस, जो रेलवे बोल रहा है। तो ये इतना टारगेट आप लोगों का है। तो आई होप कि आप लोगों के मन में अब खुशी हो गई होगी कि इस बार आपको दोनों चीजें मिली हैं। और अगला जो टारगेट जाएगा वो जाएगा आपका मंगलवार के दिन। तो आप लोगों के पास बहुत टाइम है, आप आराम से चीजों को करिए। इसके बाद हम पूरा एक सिस्टम बना रहे हैं, पहले भी सिस्टम बना हुआ था लेकिन अभी 2 टारगेट जा रहे हैं, पहले 1 जाता था। आपका एक सिस्टम बनाएंगे आपके लिए, 1 दिन रिवीजन का पूरा, 1 दिन टेस्ट का, 1 दिन उसका टेस्ट के एनालिसिस का पूरा टाइम देंगे। लेकिन अभी आप समझिए इस टारगेट को अचीव करिए, इसके बाद आप लोगों को सारी चीजें समझ आ जाएंगी। मैथ्स में जो हम लोगों का टारगेट है, तो जैसा कि आप लोगों ने पता है कि नंबर सिस्टम किया, बाकी जगह पे तो लेक्चर्स आप लोगों ने पता ही है कि 40-40 लेक्चर्स दे रखे हैं, 50-50 लेक्चर्स दे रखे हैं, तो वहां से तो आप लोगों के कवर होगा नहीं। तो आप लोगों को चाहिए इस समय पे क्रिस्प लेक्चर्स, तो जो कम से कम 5-7 लेक्चर्स में आप लोगों की चीजें कवर हो जाए। तो नंबर सिस्टम के प्रीवियस ईयर हम लोग करेंगे और जो चीज बची हुई थी उस चीज को हम कवर करेंगे। साथ में HCF एंड LCM जो चैप्टर है, HCF का मतलब तो पता ही है, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक, हिंदी में बोलते हैं इसको,
इन चैप्टर का बेसिक समय कवर करना है। और बेसिक्स का जब मैं नाम लेता हूं तो जो भी आपके पास बुक है, जैसे आरएस अग्रवाल बुक है, तो बेसिक्स का मतलब है उस बुक का थ्योरी वाला पार्ट और एग्जाम्पल वाला पार्ट आपको कम से कम आना चाहिए। तो ये हम लोगों का टारगेट हो गया मैथ्स का। इसके बाद हमारा टारगेट है रीजनिंग का। नंबर सीरीज जो हमारा कवर हुआ है, जिसमें हमने मिसिंग नंबर को भी कंप्लीट कर लिया है, नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर दोनों चीजें हमारी कवर हुई हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से कवर हुई हैं। अगर अभी भी आपकी नहीं कवर हुई हैं तो उसके अंदर लेक्चर्स अवेलेबल हैं, उन लेक्चर्स से आप देखिए, वो अपने आप में बेस्ट हैं, उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है, मैं ये कह रहा हूं, अपने आप में बेस्ट हैं वो। आप यहां से कवर करिए, साथ में आप लोग अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। प्रीवियस ईयर के लिए आप वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, नंबर सीरीज के भी हैं, मिसिंग नंबर के भी हैं, कोडिंग डिकोडिंग भी है, हर चैप्टर का टेस्ट है, मोशन का भी है। तो आप जाइए और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके वहां से रिवाइज हो जाएंगे, और साथ में अगर आपके पास टाइम है तो आप अपनी बुक भी देख सकते हो। और टेस्ट जो है वो हमारे अनलिमिटेड है, कितनी भी बार बच्चा लगा सकता है। आपको चार बार मन करता है चार बार लगाइए, दस बार मन करता है दस बार लगाइए। नेक्स्ट, कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट चैप्टर आप लोगों को कवर करना है। कोडिंग डिकोडिंग के पिछली बार हमने एक लेक्चर कंप्लीट किया था, दो लेक्चर्स हमारे बचे हैं, तो उसको हम इस बार कवर कर देंगे, और वो भी पूरी तरीके से खल्लास। इस तरीके से हमने तीन चैप्टर्स दो टारगेट में खल्लास। आई होप कि आप लोगों को पता चल रहा होगा कि कितना बेहतरीन तरीके से हम लोग सिलेबस को कवर कर रहे हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा इश्यू आया होगा, लेकिन अब आगे इश्यू कोई नहीं आएगा, मस्त तरीके से आप लोगों के टारगेट्स अचीव होंगे। पुराने बच्चों से मैं अपना एक रिक्वेस्ट करूंगा बहुत ही अच्छी सी, कि प्लीज आप लोग इस बार जो टारगेट्स अचीव कर रहे हैं तो नोट्स आपके ऑलरेडी बने हुए हैं, आप लोग अपने नोट्स को रिवाइज करिए बेहतरीन तरीके से। उसके बाद जो समय बचता है उसमें आप अपने टेस्ट लगाइए चैप्टर वाइज, और फिर टेस्ट लगा के आके देखिए कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो आपसे गलत हो रहे हैं दोबारा से भी। मतलब आपने एक बार पढ़ाई की, वहां पे मान लेते हैं कि 60% आपका क्लियर हुआ था, तो अब आपका एम होना चाहिए कि 100% कवर कर लें, लेकिन 100% हो सकता है ना हो, इस बार भी आप 80 तक ही जा पाए, क्योंकि 60 तक जाना आसान होता है, उसके बाद टॉपर बनना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आप लोग एनालाइज करें कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिससे मैं पिछली बार भी पढ़ा था, मैंने इस बार भी पढ़ा, उसके बावजूद भी मेरे गलत हो गए, तो उन क्वेश्चंस पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें और उन टॉपिक्स को देखें कि ऐसा कौन सा टॉपिक है नंबर सिस्टम का जिससे मैंने दोबारा से पढ़ने के बाद भी गलत कर दिया। एनसीईआरटी में ऐसा कौन सा क्वेश्चन हो रहा है जो मैंने दो बार पढ़ ली उसके बावजूद भी गलत हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है ना। आप कहते हो कि भैया बार बार कोर्स क्यों लेना पड़ता, वो इसीलिए आप लोग अगर एक बार में कंप्लीट कर लें तो क्यों जरूरत पड़ेगी। आप लोग इस बार बेहतरीन तरीके से इस चीज को कवर कर लीजिए, जैसे ही पेपर आएगा आप लोग फोड़ के आएंगे उस पेपर को बड़े आसानी से। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग अपना ख्याल रखें, और अगर नए स्टूडेंट हो टारगेट्स फॉलो करना चाहते हो तो मैं बता रहा हूं आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छे से, आप लोग वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करें और अपने यहां पे जाएं इस बैच पे, और इस 45 डेज वाले क्रैश कोर्स को जैसे ही आप ओपन करेंगे, इसके बाद यहाँ पे आपके गाइडेंस सेशंस हैं, इनको देखना जरूरी है, इसको देखे बिना आप टारगेट कंप्लीट ना करें। फिर इसके बाद यहाँ सिलेबस डिस्कशन है, इसको आपको देखना है, पूरे 40-40 मिनट का एक एक सब्जेक्ट का है डिस्कशन। इसके बाद आप लोगों के टारगेट डेज वीडियोज हैं, यहाँ बताया गया है टारगेट क्या होता है, कैसे कंप्लीट करना होता है। टारगेट डे वन है, उसकी वीडियो है, उसकी नोट्स की पीडीएफ है, सारे के सारे नोट्स जो भी टारगेट में है वो यहाँ है। फिर उसके बाद जो पढ़ावा आता है वो आपका आता है यहां पे टेस्ट का, और टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम का, तो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन करिए, सारी की सारी चीजें आपको इसके अंदर जरूर से जरूर मिलेंगी, हर लेक्चर हर चीज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। टेस्ट सीरीज जो है वो ये है, आप लोग जो चैप्टर आपका कंप्लीट होता है यहां से उठाइए, साइंस में एनसीईआरटी में क्या चल रहा है हमारा, इस समय चल रही है हमारी फिजिक्स, तो फिजिक्स उठाइए और फिजिक्स में आइए, और यहां देखिए आपका पहले नंबर पर मोशन का इजी लेवल टेस्ट है, मोशन के एग्जाम्पलर हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का इजी लेवल टेस्ट है, उसके एग्जाम्पलर हैं। इस तरीके से आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, अगर केमिस्ट्री कर रहे हो तो केमिस्ट्री के हैं, और फिर इसी तरीके से आप लोग रीजनिंग के चैप्टर वाइज टेस्ट लगा रहे हो तो देखिए रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग का इजी लेवल टेस्ट है, नंबर सीरीज लेटर सीरीज मिसिंग नंबर का टेस्ट है,
एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी का टेस्ट है और इनके सॉल्यूशन बहुत बेहतरीन तरीके से भरे हुए हैं। इसी तरीके से मैथ्स के भी टेस्ट हैं, तो आप लोग अपने टेस्ट लगाइए। ये मिक्स टेस्ट हैं, फुल टेस्ट हैं, हर तरीके का इसमें टेस्ट है। टारगेट डेज टेस्ट हैं, जो पूरा टारगेट है उसको कंप्लीट करने के बाद आपको ये टारगेट डे टेस्ट लगाना है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग है, मैथ्स के चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, प्रीवियस ईयर हैं, इतने सारे टेस्ट इसके अंदर अवेलेबल हैं, वो भी 299 रुपये में। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कितना कुछ आप लोगों को मिल रहा है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो बीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट भी। इन सब टेस्टों में बहुत सारे टेस्ट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप बैच में व्यू डेमो पर क्लिक करिए और देखिए। टेक केयर।